हाय, मैं टेलीपुई। मैं सोचा कुछ अच्छा काम कर लूँ अपने लिए। तो सुबह जब मैं 9 o'clock वैसे को होता, पर मैं मेरे दिमाग पे नहीं आया कि मैं वीडियो बनाऊँगी, ये करूँगी। बस सडनली दोपहर में मैं सो गई थी वापस। तो आई वोक अप अराउंड 6 o'clock, देन आई रिमेंबर आई थिंक आई शुड डू समथिंग। तो मैंने मेरा बेड मिलाकर थोड़ा पढ़ाई की अपने लिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहा है। माई एग्ज़ाम वॉज सपोज टू बी ऑन नवम्बर, बट इट गॉट पोस्टपोन्ड। सो इट्स स्टिल नॉट कन्फर्म, बट आई गॉट इन्फॉर्मेशन, स्लाइट इन्फॉर्मेशन कि मेरे एग्ज़ाम फेबरी पे होने वाले हैं, 2023 फेब। तो समय तो बहुत है, तो मैं तब तक अपना अच्छे से तैयार कर लूँगी मास्टर के लिए। थोड़ा पढ़ाई करते करते याद आया, क्यों ना मैं बाहर जाकर कुछ खरीद लूँ अपने लिए। तो उससे पहले मैंने, इसको क्या बोलूँ पता नहीं, लंच या डिनर, पर मैंने खा लिया, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाया था पर खाने भूल गया, सो गई थी मैं। तो इसके बाद मैं अब रेडी हो गया बाहर जाने के लिए। बाहर जा रहा है तो थोड़ा तो अच्छा दिखना पड़ेगा ना। ऊपर का तो चेंज नहीं किया, नीचे मैंने चेंज कर दिया और साइड पे बैग लगा लिया, तो अच्छा ही दिख रहा है। चलो, I'm ready. जब मैंने कदम बढ़ाया गेट के बाहर, वो फीलिंग इतना अच्छा रहा, क्योंकि बहुत दिन से मैं अंदर ही थी, रूम के अंदर सोकर उठा, पढ़ाई करो, खाओ, वही मेरा रूटीन था, ठीक है। तो जब मैं बाहर गया, दैट फीलिंग वॉज वेरी नाइस, एंड द एनवायरनमेंट, वो पल ना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि छोटा छोटा दावा सब एंजॉय कर रहा है। एंड देन मैंने देखा दोगी बस स्टैंड पे कितना प्यारा सा सो रहे थे। मैंने बस ट्रांसपोर्टेशन लिया, क्योंकि मुझे इतना खर्च नहीं करना था। बस का वेट करते करते मैं बस का ही वीडियो कैप्चर करने भूल गए। तो जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, तो मुझे याद आया, ओ मैं तो यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए वीडियो बनाना था। तो मैं फिर से चालू किया वीडियो बनाने के लिए, वो रोड क्रॉस करके उधर मैं पहुंच गई मेरे डेस्टिनेशन। आज मैं फ्लावर ख़रीदने के लिए आया खुद के लिए। मैं ख़रीदती थी पहले, बिफोर आई यूज टू बाई अ फ्लावर फॉर मी, बट इट्स बीन 1 month, आई वॉज फुली फोकस ऑन माई स्टडी, सो आई डिडंट गेट टाइम टू गो आउट। जाते जाते मुझे मोमो शॉप मिला और मुझे इतना खाने का मन किया, तो मैंने एक प्लेट लिया खुद के लिए। मैं घर पहुंच गई और मुझे याद आया, फिर से मैंने बस का वीडियो कैप्चर करने के लिए भूल गई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग। तो अब मैं दिखाती हूँ मेरे फ्लावर, मैंने कौन सा फ्लावर लेकर आया, कौन से कलर पे लेकर आया। फ्लावर तो देखते ही पता चल जाएगा कौन सा फ्लावर है, ठीक है। तो कलर इतना खास नहीं था कलेक्शन उधर का, पर जो मुझे अच्छा लगा वह मैंने लेकर आया। और ये न्यूज़पेपर, क्यों मैंने बोला न्यूज़पेपर पे रैप करने के लिए, क्योंकि मुझे वो प्लास्टिक वेस्ट करने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने भैया को बोला कि न्यूज़पेपर पे ही दे दो। वैसे किसी को तो मैं देने वाले नहीं हूँ, अपने घर पे ही रखने वाली हूँ। तो भैया ने क्या पूछा, ये एक बार नहीं, जब भी मैं जाती हूँ हर दिन अलग अलग भैया रहते हैं वो फ्लावर शॉप पे, तो वो पूछते कि मैडम आपको कोई गिफ्ट देने वाला नहीं है। तो मैं हर बार की तरह, नहीं भैया, मैं खुद को ही हर महीने के फर्स्ट पे खुद को ही गिफ्ट देने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद के लिए खरीदती हूँ, किसी से मुझे नहीं चाहिए। तो भैया लोग सब हंसते हैं, ठीक है मैडम आप घर पे ही बैठो और कॉल लगा दीजिए, हम डिलीवरी कर देंगे। चलो, वो कौन सा कलर कर देगा मुझे भरोसा नहीं, इसलिए मैं खुद जाकर ही ले लेती हूँ। तो मैंने अपने फ्लावर पूरा रख दिया और इधर एक बच गए, तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपने जो बेडरूम में है ना, मैंने ये आर्टिफिशियल वाला एक फ्लावर बनाए थे,
उसी के साथ थोड़ा मिक्स कर दो, अच्छा भी दिख जाएगा। तो दिखने तो अच्छा लग रहा है। चलो, इसके बाद मैंने बोला ना मैंने मोमो लेकर आया, तो मैंने सोचा कि कुछ पी लूँ मोमो के साथ। स्पार्कलिंग वाटर मैंने निकाला और मोमो भी अपने लिए सर्व करके खाने के लिए रेडी हो गया। बेंगलोर में मैं 7 साल रहा और उसमें मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया स्ट्रीट मोमो, पर इतना पसंद नहीं आया। आज का मोमो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखती हूँ, फिर से मैं निकला तो घर के बाहर ये मोमो फिर से मैं लेने जाऊँगी। तो चलो, आज मेरा दिन यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।